हम सिकंदराबाद की मशहूर बिरयानी की रेसिपी दिखाने वाले हैं, बहुत उम्दा लजीज। इसकी हमारे यहाँ बहुत डिमांड है। सिकंदराबाद की मशहूर बिरयानी के नाम से मशहूर है ये बिरयानी का गोश्त है। तेजपाल के पत्ते डाल ले। मोटा नमक ये सौंफ है। सौंफ और धनिया। गोश्त कितने किलो? इसमें 90 किलो गोश्त। 90 किलो गोश्त। हाँ, धनिया गया मोटा धनिया। जो देग थी तैयार हो चुकी है। 100 किलो की देग। 100 किलो की देग है ये। 100 किलो की अखनी। अच्छा, ये बिरयानी की अखनी है। हाँ, ये अखनी तैयार हो गई। गोश्त काफी अच्छे से टेंडर हो गया इतना तो, है ना। चलो, ये सादी बिरयानी की जो यखनी है वो इसके अंदर जा रही है। वो के अंदर तेरा मैं आपको बता दूं, इन्होंने यखनी में बनाते टाइम प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करा है, और इसका एक अलग ही सीक्रेट इन्होंने बताया है। क्योंकि ये ज़्यादा मसाले यखनी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो अब मसाले डालेंगे जो इनके बनाने का तरीका है जिस हिसाब से ये बनाते हैं, तो उसका मसालों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है। इस वजह से इन्होंने यखनी में कम ही मसालों को यूज़ करा है। और ये सारी देगें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये सब के अंदर यखनी थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं, और जैसे जैसे ये मसाले डालेंगे वैसे वैसे आप डालना। क्या क्या जा रहा है इसके अंदर? हरी इलायची, साबुत। अभी खाली से इसमें हरी इलायची गई है ये, और ये बननी सादी बिरयानी। अभी क्या जा रहा है इसके अंदर? काली मिर्च। ये देखिए सादी बिरयानी की रेसिपी। 20-20 ग्राम 20-20 ग्राम ये रे। अभी इसके अंदर जा रहा है जीरा। सौ ग्राम इन्होंने जीरा इसके अंदर डाला है। क्या है? इलायची दाना। अब जा रही है इसके अंदर लौंग। ये देखें मसाले पूरी तरह से इसके अंदर सेट किए जा रहे हैं। तो भाई इनके मसाले बहुत डिफरेंट है। अभी क्या जा रहा है इसके अंदर? जायफल, जावित्री, दालचीनी। अच्छा, पिसी हुई है ये। अच्छा, मैं दिखा देती हूँ। पाउडर दिखाना मुझे, हाथ में लेके दिखा दो बस। ये रहा। अच्छा, जायफल, जावित्री, दालचीनी का ग्राइंड किया हुआ है पाउडर 20 ग्राम। केवड़ा। अच्छा, ये स्टार्टिंग में इनका केवड़ा जा रहा है। ये केवड़े के साथ साथ मैं डाल रहे हैं वकास भाई यखनी का पानी, और ये यखनी का पानी बिरयानी की जान भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा ये 6 देगों में डालेंगे, और जिससे जो टेस्ट है वो उभर कर आएगा। जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। तो अभी तक जो आपने इनकी ये मसाले डालने का जो तरीका देख रहे हो तो वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन अभी और भी ज़्यादा डिफरेंट ये बिरयानी होने वाली है, जिसकी वजह से जो टेस्ट है इसके अंदर और ज़्यादा शानदार होने वाला है। फाइंड ऑयल। अच्छा, 2 किलो रिफाइंड जाएगा इसके अंदर, है ना। लहसुन अदरक कितना जा रहा है इसके अंदर? ये 300 ग्राम 300 ग्राम। ये देखें, ये हरी मिर्चें जो भी कूटी जा रही थी वो दरदरी आ चुकी हैं। हाँ, ये रही। ये कितनी जाएंगी इसके अंदर? 400 ग्राम। ये रही।
रिफाइंड ऑयल और अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद में ये डालने हैं इसके अंदर हनी मिर्ची कुटी हुई दरदरी। तो आप ध्यान रखिए जाएगा साबुत नमक डालने ही देखें। ये जा रहा है इसके अंदर दूध, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ दूध भी जा रहा है इसके अंदर। ये तो ये देख लो आप, ये हाँ ये इसके अंदर पानी डाल दिया इन्होंने, आधा आधा किलो दूध जा रहा है इसके अंदर। दूध किस लिए जाता है? ये मुलायम चावल हो जाता है और सफेदपन पे चावल आ जाता है। भाई साहब ये तो सीक्रेट है एकदम, क्योंकि इसके अंदर दूध जा रहा है। ये देखें आप बिरयानी के अंदर कौन दूध डालता है। अच्छा ये ना इन्होंने अब दूध डालने के बाद में इसके अंदर डाला है थोड़ा थोड़ा पानी। ये देखें आप ये पानी चला गया इसके अंदर। अच्छा ये प्याज जा रही है अभी तली भी है। अच्छा अभी डाल लेंगे चावल के अंदर। अच्छी अच्छा और टेस्ट बढ़ाने के लिए ये अभी से इसके अंदर ये फ्राइड अनियन डाल दिए इन्होंने और इसके अंदर पानी भी जा रहा है। ये देखें ये बता रहे हैं कि टेस्ट आएगा इसके अंदर। किलो चावल में 15 लीटर। मैं आपको बता दूं ये बिरयानी पानी के अंदर जो पानी डाला गया था और जो सारे मसाले सेट कर दिए थे तो वो जा रही चूल्हे के ऊपर। ये देखें इसके अंदर चावल जाने बाकी है, चावल जाने बाकी बस वो कच्चे चावल ही डालेंगे और दम में डालेंगे फिर इन्हें। हम जो है चावल को भिगो के डाल दें बस दो घंटे भिगो दिया है ना। पसांगा नहीं, कौन से यूज कर रहे हैं चावल? चावल गैलेक्सी चल रहा है, ये हम 2 घंटे भिगोते हैं चावल। कम से कम 4 पानी निकलेगा इसे धोने के लिए। हाँ देखते हैं इन्होंने चूल्हे पर चढ़ाई दी है। अब जो चावल इन्होंने भिगो के रखे थे तो वो 2 घंटे के बाद इन्होंने भीगने के बाद में ये डालने हैं देख के अंदर चावल। और जैसे इन्होंने बताया था कि ये पसा के नहीं डालते हैं चावलों को, तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने पसा के नहीं डाले हैं, ये डायरेक्ट ही इसके अंदर देख के अंदर डाल रहे हैं। अभी और जाएंगे ना इसके अंदर। ये 2 घंटे भिगा चावल देख में डालते खड़े खड़े रहने से टांगों में दर्द हो जाता है। ये नहीं अब चला रही हैं। कितनी देर तक रखा जाएगा ये? उतरने के बाद आधा घंटे दम में। तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर चावलों को हो चुका है तो इन्होंने 90% चावल जो है पका लिए हैं। तो वही देख पे उतारे जा रहे हैं और उतारने के बाद में अब जो है इसके अंदर ये जा रही है फ्राइड अनियन। तो फ्राइड अनियन ये डालेंगे जिसका वजह से और भी ज़्यादा इन्होंने बताया कि टेस्ट आने वाला है। सिर्फ अभी हाफ डन कराया अपने है ना इन चावलों को, ये दम में ही है मतलब अब सिर्फ दम में तैयार बिरयानी तैयार है। ये दम पे रखी जाएगी सिर्फ आधे घंटे के लिए। ये प्याज बिरयानी का हो रहा है। हाँ ये चाट मसाला है। हाँ ये चाट मसाला है दिल्ली शान शान है दिल्ली का। हाँ अच्छा ये जा रहा है इसके अंदर चाट मसाला। हाँ। ये लो और ये खटाई है। ये खटाई है ये। अच्छा मैं आपको बता दूँ ये वाला चाट मसाला यूज़ करा है इन्होंने और टॉप के ये अचार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ये खटाई गई है इसके अंदर। ये खटाई है ये अचार है ये अचार। ठीक है हरी मिर्च का तो ये कब मिक्स होंगे इसके अंदर? ये भी मिला दें। नहीं ये तो मिक्स हो जाएंगे वो उसके अंदर बिरयानी के अंदर दम में आने के बाद ऊपर से डाला जाएगा। अभी तक आपने इनका तरीका देखा होगा कितने मसाले इन्होंने डिफरेंट डाले हैं और सारी बात मसालों की है। और ये मसाले जो आप डाल रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सो ये आप ध्यान में रखना कि किस तरह से इन्होंने बिरयानी बनाई है और जो जो भी मसाले डाले हैं वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाले उन्होंने डाले हैं वो मिक्स करे जा रहे हैं और ये टॉप का अचार है जो इसके अंदर जाएगा। ये डाल दिए इन्होंने अचार। ये पीली मिर्च भी जा रही है इसके अंदर। अच्छा इन्होंने पीली मिर्च भी इसके अंदर डाली। ये देखें अलग ही किस्म की बिरयानी बनने वाली है अब तो इतना कुछ जा रहा है ये।
इन्होंने इस मसाले के अंदर डाले हैं पांच तरह के मसाले, जिसमें हैं साबुत दरदरी मिर्च जो कूट ली थी इन्होंने, फिर उसके डाला है अंदर आमचूर, और फिर डाला है चाट मसाला, और डाली है इसके अंदर टोप का अचार, और इन्होंने पीली मिर्च का भी यूज़ करा है। तो इन सबको डालने के बाद में ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि छः बिरयानी के दे गए हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मसाला भी तैयार किया गया है। पीली मिर्च और इसके बाद में चाट मसाला जाएंगे, बस ये दो मसाले जाएंगे, है ना। ये दो मसाले जा रहे हैं, ये भी बिरयानी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो अभी मसाले मिक्स कर रहे थे वो देख लीजिए रेडी हो चुके हैं। ये रहा। अब जा रहा है इसके अंदर रंग। ये जा रहा है इसके अंदर रंग, ये देखें। और ये जो मसाले मिक्स कर रहे थे वो इसके अंदर जाएंगे अब। तो सिकंदराबाद की बिरयानी कैसी बनती है देख लीजिए। ये गए मसाले, ये मसाले डालने हैं इसके अंदर। ये और ये अचार जो मिक्स कर रहा था, ये देखे बेहतरीन, इसकी खुशबू भी बहुत अलग आ रही है। सिकंदराबाद की बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। ये बिरयानी तैयार है, अभी भी दम पे रखी जाएगी। ये दम पे ही रहेगी, है ना। समझ लो तैयार है। इस टाइम ये बिल्कुल तैयार है, अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी। रेडी हो गई, ऊपर को माशाल्लाह। कौरमा कर लिया है और इसे खा के चेक करते हैं कि कैसा है सिकंदराबाद का मोस्ट फेमस कौरमा। और हमने इसे बनते हुए देखा, तो खा के चेक करते हैं कैसा ये। कौरमा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और जो इसके मसाले जो इन्होंने डाले हैं वकास भाई ने बहुत अच्छे तरीके से डाले, और प्लस जो इसके अंदर दूध गया है, मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग सी चीज़ ने कराया कि इसके अंदर दूध गया है, बिरयानी के अंदर दूध गया है, जो मैंने कहीं नहीं देखा डलते हुए। तो ये एक सिकंदराबाद की एक, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, जो खानों की जो शान है। तो भाई इसके मसाले अलग हैं, इसके सीक्रेट अलग है, और जो बनाने का तरीका है वो बहुत इजी है कि अगर कभी भी दिल कर रहा है तो आप बना सकते हैं। दिल्ली से बहुत मुख्तलिफ है ये कौरमा। ये देखें, ये हमारी बिरयानी है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है देखने में, और खा के चेक करते हैं कि यहाँ की बिरयानी है कैसी। और ऊपर से जो इन्होंने ये डाल के दिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। फ्राइड अनियन इन्होंने ऊपर से डाली है, मसाले ऐसे डाले हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिरयानी हो रही है। मतलब कोई ज़्यादा फालतू मसाले नहीं डाले, हर एक चीज़ से जो मसाले डाले ना उसका टेस्ट बाखूबी इसके अंदर आ रहा है बिरयानी के अंदर, ऑथेंटिक बिरयानी जिसे कहते हैं। बहुत बात है।